अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे जेक्यूरी को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं या आपने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको हर न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू ट्रेंड से आगाह रह सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना है। तो हमने ये म्यूज़िक के अंदर हमने अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो हमने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको जो सिंपल स्टेप करना है वो है न्यू टर्मिनल ओपन करना है। न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पुट करना है npm इंस्टॉल। तो आप इंस्टॉल की जगह सिंपल i भी पुट कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो मैं पूरा ही लिखूँगा बूटस्ट्रैप। तो हमने बूटस्ट्रैप लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है जो फ्लैग देना है वो सेव का है। तो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, एंटर का बटन प्रेस कर देना है, तो ये बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर इसको इंस्टॉल करने में लेता है। तो उतनी देर हम इस वीडियो को पॉज करते हैं और जो है वीडियो को रिज्यूम करेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें करना है इंस्टॉल जेक्यूरी को। तो वही स्टेप दोहराना है, npm इंस्टॉल। तो इस बार मैं आई लिख के ही जो है अपना काम करूंगा। तो npm आई, उसके बाद आपने लिखना है jQuery। jQuery के बाद आपने वही फ्लैग देना है सेव का और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगेन ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में इसको इंस्टॉल करता है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो पॉज करने के बाद हम आ चुके हैं वापस। तो हमारा जो jQuery और बूटस्ट्रैप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको इंक्लूड करवाना है। तो हम जाएंगे अपने एंगुलर जेसन के फाइल में और यहाँ पे नीचे हमें जो है इसको ऐड करवाना है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लाना चाहूँगा, ये मैं इसको नीचे ले आया। नीचे लाने के बाद जो आपने जाना है एंगुलर जेसन, ये आप देख रहे हैं कि मैं एंगुलर जेसन की फाइल के अंदर हूँ, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने जाना है डिपेंडेंसीज में। तो डिपेंडेंसीज में नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपने जाना है यहाँ स्टाइल में और यहाँ कॉमा लगा के अपने बूटस्ट्रैप फाइल को इंक्लूड करवाना है। तो वो कैसे इंक्लूड कराना है मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है node_modules। लिखने के बाद आपने यहाँ पे उसके बाद बूटस्ट्रैप लिखना है, बूटस्ट्रैप। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे उसका जो कंप्लीट हम पाथ दे रहे हैं तो डिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है css, क्योंकि हम css इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। तो आपने लिखना है css, उसके बाद आपने लिखना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बाद आपने लिखना है main.css। ये पुट करने के बाद आपने नीचे आना है। इसी तरह आपने जो बूटस्ट्रैप की जो है फाइल जावास्क्रिप्ट की वो भी इंक्लूड करवानी है, और आपने ये यहाँ पे css की जगह आपने कर देना है js, और यहाँ पे भी css की जगह कर देना है js। तो आपको पता है कि हमेशा बूटस्ट्रैप से पहले ही jQuery को इंक्लूड करवाया जाता है, तो उसको भी हम इंक्लूड करवा लेते हैं। तो हमें कॉमा लगाना होगा यहाँ पे, और अब हमें यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जगह लिखना है jQuery। ये हमने jQuery लिख दिया, और jQuery के अंदर आपको पता है कोई css या js की फाइल नहीं होती। तो हमने jQuery डेस्ट अगर बूटस्ट्रैप की जगह हमें लिखना है jQuery.min.js। तो ये हमने इसको इंक्लूड करवा लिया। तो इंक्लूड करवाने के बाद दोस्तों, आपको आपको क्या करना है कि सिंपल इसको सेव ऑल करना है। सेव ऑल करने के बाद आपने इसको जो है रन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng serve। तो अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा बूटस्ट्रैप और jQuery सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मैंने जैसे ही ng serve किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल होना शुरू हो गया है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है कंपाइल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है, इसको कॉपी करना है और जाके पेस्ट करना है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका जो बूटस्ट्रैप है वो इंक्लूड नहीं होता, यानी कि आपको रिजल्ट्स नहीं देता, अप्लाई नहीं होता, तो आपने इसको जो स्टाइल की फाइल है वहाँ पे आपने इसको इंक्लूड करवाना है।
तो हम चेक करते हैं इसको पहले सबसे। तो मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ और यहाँ से कोई कंपोनेंट उठा के ले आता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो मैं यहाँ से क्या उठाऊँ, हाँ ये अलर्ट्स जो हैं ये ही मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपना जो ऐप का कंपोनेंट है उसके ऊपर जाके इसको अप्लाई करता हूँ। ऐप कंपोनेंट में मैं सब को अरेज करता हूँ और यहाँ पे सिंपल अपना HTML पेस्ट कर देता हूँ और जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे जो है इसको इंक्लूड उसने नहीं करवाया, तो हम क्या करते हैं, हम अपने एंगुलर में यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करवाते। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से बूटस्ट्रैप को और यहाँ से हटा देते हैं इसको, ना भी हटाएं तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल CSS में, यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाला सैम्बल हर हालत में लगाना है और उसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया तो सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो अब अगर हम जाएं अपने पेज के ऊपर तो ये देखेंगे सक्सेसफुली रिजल्ट्स हमें दे रहा है। तो दोस्तों ये आपने उस वक्त करना है जब आपका जो बूटस्ट्रैप है वो अप्लाई ना हो। तो मैं दूसरा अलर्ट्स ले आता हूँ और यहाँ पे उसको भी यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि हमें ये क्यूरी को यहाँ पे जो है रन करवाना है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इनपुट का एक ले लेते हैं और इसको आईडी देते हैं इनपुट और इसको क्लोज करते हैं और नीचे एक बटन ले लेते हैं बटन और इसको आईडी जो है वो दे देते हैं btn। btn की आईडी देने के बाद हम इसको कहते हैं कि क्लिक मी और यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं क्लिक का। क्लिक का फंक्शन बनाने के बाद हम इसको नेम दे देते हैं फन, फन का नेम दिया। अभी हमने ये फंक्शन क्रिएट नहीं किया तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने TS की फाइल में जाते हैं और यहाँ पे इसको जो है डिक्लेयर करते हैं। ये नीचे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको अभी बनाया नहीं था। तो ये देखें अब हमें यहाँ पे ये क्वेरी को जो है इंक्लूड करवाना होता है। तो वो सिंपल सा मेथड है दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट और स्टेरिक लगाना है, यानी कि ऑल टू ऑल जो jQuery है वो एज डॉलर साइन इंपोर्ट हो जाए कहाँ से, फ्रॉम jQuery। तो ये आ रहा है jQuery। तो ये jQuery पूरी की पूरी जो है वो इस डॉलर साइन के अंदर आ चुकी है। अब हमें सिंपल जो है इसको यूज करना है। पहले हम एक सिंपल सा अलर्ट मैसेज जो है वो शो करवा के देखते हैं। तो मैं अलर्ट मैसेज शो करवाता हूँ, ये देखें अलर्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो है फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम जे क्यूरी का एक मेथड कॉल करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जे क्यूरी जो है वो काम कर रही है। यहाँ पे इनपुट, ये आईडी थी हमारी, तो हमेशा आईडी के साथ डॉलर हैश साइन लगता है। तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम अब अलर्ट करवाएंगे, यहाँ पे अलर्ट देते हैं और ये जो वैल्यू है इसको अलर्ट के अंदर पुट करते हैं ताकि हम जब भी बटन पे क्लिक करें तो ये हमें शो हो जाए। इसको सेव करते हैं। तो दोस्तों अगर तो ये सक्सेसफुली jQuery जो है वो हमारी इसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी होगी, तो ये वाला जो हमारा अलर्ट है जो वैल्यू होगी इनपुट के अंदर, अगर हम देखें तो हमने इसकी आईडी इनपुट ही रखी थी। तो ये इनपुट जो है इसके अंदर जो भी इनपुट होगी वो अलर्ट के बॉक्स में शो होगी। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं यूसफ क्लिक। तो ये देखें ये यूसफ शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अली लिखते हैं तो अली शो हो रहा है। इसका मतलब क्या मतलब है कि हमारी जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो चुकी है। और अगर हम ये जो बूटस्ट्रैप है अगर उसको यहाँ पे पेस्ट करें इसके इनपुट से ऊपर तो ये भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इसको सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट करके इसको यूज कर लिया है।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।